किससे जा सकते हैं अपन? ट्रेन के वो थोड़ी ना रिफंड अपने को देने वाला है, ये तो भी 7 दिन के बाद अपने को रिफंड देंगे। नहीं, बात करेंगे हम उसको, बोलेंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गया, हमारा फ्लाइट का टिकट कैंसिल हो गया, कुछ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने हमारे मनाली ट्रिप की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। 20 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो इस बार हम मनाली में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यानी कि वही जा रहे हैं। पूरी तैयारी हो गई है, बस फारा की और मेरी अभी तक शॉपिंग हुई नहीं है। कल भी जाना था लेकिन कल मूड बिल्कुल भी नहीं था बाहर जाने का, इसलिए नहीं गए। और फरा भी अभी ऑनलाइन शॉपिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया लेकिन मेरी कुछ नहीं हुई, तो आज हम देखते हैं। जाना तो है मुझे मार्केट में, क्योंकि मुझे भी लेना है और फरा को भी लेना है, इसीलिए क्योंकि 18 की फ़्लाइट है हमारी यहाँ से, 18 की मॉर्निंग को फ़्लाइट है। उसके बाद दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में रुकेंगे पूरा दिन, शाम में 6 बजे हमारी बस है, जो कि दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में हम रहेंगे मनाली में। और जब से हमने ऐसे प्लान किया है ना गाइस, कि आप लोग के भी साथ ऐसे होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कहीं पर भी अगर आपको जाना है, कहीं अगर आप नई ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो, तो रील्स जब आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, जब ऊपर करते हो, तो क्या हमेशा क्या आपको भी सिर्फ वही रील्स आते हैं? अभी 2 दिन से मुझे सिर्फ मनाली के ही रील्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं तो बस मुझे वही दिख रहा है। तो आप लोग के साथ भी ऐसे होता है कि मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैं उठा हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, चले देखते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं। मैं आ गया किचन में लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन फरा ने हम दोनों के लिए चाय रखा है। और ये देखिए ब्रश लेके कैसे घूमता है। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, तेरा ब्रश किधर है? इधर का ब्रश किधर है? कहाँ पे? जाओ लेके आओ। इजन भी अभी उठाए, थोड़ी देर हो गया और उसने ही मुझे उठा दिया। तो मैडम पता नहीं कहाँ गए हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पे रुकना है। आई थिंक फरा, अच्छा हॉल में हो क्या? चाय रख के वहां पे बैठे हो, लेकर आया तू? बताओ। आओ, ये देखो गाइस, इजान हमारा रेडी हो चुका है बाहर जाने के लिए। बाहर जाना है ना? बाहर जा रहेगा ना? इधर दो, सलाम करो सभी को। इजान इजान सलाम करो, इधर इधर देख। अरे मेरे पास है वो, अरे मेरे पास है, अरे इजान तेरे को जो चाहिए ना मेरे पास है, आ इधर आ इधर, अरे मेरे पास है, ले ले ले, एलो 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 एलो। चलो इजान के साथ करते हैं मजाक। इजान ये देख मेरे पास है साबुन, अरे मेरे पास है ये। मत दो फरा उसको, क्या चाहिए? अरे किधर आ, क्या चाहिए, क्या चाहिए तेको? हाँ कहाँ है? ए ले ले मेरे पास है, इधर आ। हाँ ये ले इजान, ये ले। किसका है ये? ए ले ले, अरे साबुन, नया साबुन आया, नया साबुन आया इजान का। हेलो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, हेलो हेलो अभी जस्ट फरा ने इसको बाथरूम से नहला के बाहर लाए और ये जिद कर रहा है कि इसको अभी साबुन चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमने उठा के रखे हैं, इसकी वजह से क्या करता है, नए लेता है, वो बोलता है पैक जो पैकिंग रहता है ना, वो बोलता है हमें उसको खोल के दे दो, थोड़ी देर खेलता है फिर फेंक देता है, ऐसी इसको आदत लग गई अभी। तो गाइस हम बाहर जा रहे हैं फिर से शॉपिंग करने के लिए, और मैं स्लो बात कर रहा हूँ क्योंकि फरा बेडरूम में है, वो रेडी हो रहा है। और बहुत दिन हो गया कुछ प्रैंक आया नहीं है, तो वीडियो में बने रहना। आज करता हूँ फरा के साथ में एक छोटा सा प्रैंक, आप लोग को भी बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। पूरा सेटअप करता हूँ सोफ़े के पीछे में, जहाँ पे हमारा ये वाला पर्दा है ना, उसको ला, और करते हैं फरा के साथ में प्रैंक। इंसान को जब भी कुछ चाहिए ना तो वो जिद करता है, और मैं उसको देता हूँ जब वो मुझे एक उम्मा देता है। इंसान इधर एक उम्मा दे दो मेरे को, साबुन चाहिए ना, साबुन चाहिए ना, आ जल्दी आओ, एक उम्मा दे दो, चलो उम्मा दे दो सीधा। ऐसा ऐसा सिखाया मैंने, कैसे सिखाया मैंने, उम्मा दो जल्दी, ऐसे नहीं सीधा, जल्दी दो, जल्दी दो इधर, बोलो उम्मा, बोलो सीधा, बोलो ऐसा उम्मा बोल के दे, उम्मा जल्दी करो, ऐसे नहीं हो जाना, ये भी ना
वीडियो में देख के ना थोड़ा इतरा रहा है। चलो जल्दी दो, हाँ जल्दी दो, ए ले आ इधर आ, हाँ इधर आ, चलो जल्दी दो, इधर साबुन दो ना उम्मा दे, ऐसे नहीं ऐसा सीधा देता है वो ठीक से, पर वीडियो में देख के ना थोड़ा ये कर रहा है। चलो और एक बार दो, और एक बार दो, इधर दो, इधर दो, ए लो जल्दी दो, जल्दी दो, ये देखो मम्मा भी आ गए, इधर उम्मा दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम उम्मा, तो जल्दी उम्मा दो, चलो उम्मा दे रहा है इधर। हाँ इसको? मुझे। अच्छा मुझे दे इधर, मुझे इधर, मुझे साबुन चाहिए ना, साबुन जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, मेरे को भी दे इधर, देंगे। हेलो, हाँ यस यस, किसका फोन है? हाँ तो देखो ना ईजान का, आपका पर्स ना पीछे है देखो। अच्छा तो हाँ, टिकट नंबर जस्ट वेट, नाम से सर्च करूँगी आप, नाम से पता चल जाएगा। हाँ समीर शिरगांवकर, समीर मुजफ्फर शिरगांवकर। हाँ क्या, तीन पैसेंजर है, एक इन्फेंट है। यस यस, बोर्डिंग पास तो सुबह ही किया है मैंने आज, और सीट भी मैंने पे करके, अरे चार्जेबल सीट लिया है मैंने, पर ऐसे कैसे कैंसिल हो सकता है, बट ऐसे कैसे कैंसिल हो सकता है, अरे यार हमारा प्लान हो गया है, अपन ऐसे कैसे। हेलो हेलो, क्या यार है? क्या क्या कैंसिल हो गया? अरे फ्लाइट का टिकट कैंसिल हो गया अपना। क्या? Oh no! अरे वो बोल रहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ना फ्लाइट का कैंसिल टिकट हो करना पड़ा आपका। पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? और अभी अपन कैसे जाएंगे फिर? वही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुबह वेब चेक इन किया है आपके सामने देखे ना, और सीट भी लिया है मैंने पैसे देके। अभी वो बोल रहे कि टिकट का जो कॉस्ट है ना तुम्हारा, वो 7 डेज के बाद मिलेगा रिफंड आपको। 7 डेज तक हम कैसे वेट करें यार फरा, एक तो इतना खर्चा करके टिकट निकाला है, अभी करता हूँ यार अपना पूरा हो गया पैकेज यार, ऐसा एंटम का टिकट कैंसिल हो गया ना फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ ना, उधर भी पैसे चले गए और टिकट पे भी, और वो बोल रहा है रिफंड तुरंत नहीं मिलता है, वो 7 डेज के लिए वेट करना पड़ता है, उसको वर्किंग डेज होता है बोलती कुछ। और ये देखो उससे पहले डेट पे भी कोई दूसरी फ्लाइट नहीं है, डायरेक्ट 24 को है। यार क्या हो गया ये, दूसरी फ्लाइट देखो, आप सर्च करो रहेंगी एक बार देखो, दूसरी फ्लाइट इधर मैं एक मैट्रिक में देखती मैं। दूसरी फ्लाइट में पैसे तो चाहिए ना, पूरे पैसे वहां तो वो फ्लाइट में चले गए ना, वहां उधर भी बुक करूंगा तो कैसे, कहां से एडजस्ट होंगे फरा। तो पैकेज इतना महंगा था अपना, और यहां पे फ्लाइट को मैंने इतने दिया, अभी मेरे पास अकाउंट में उतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरी फ्लाइट बुक करूं। तो क्या है अभी ये ना, हमने पहली बार बहुत बड़ी गलती करी ये एयरलाइन में टिकट बुक करके। अरे ट्रेन से जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी अवेलेबल नहीं है वो डेट पे। उधर खेलो जाओ, उधर रखो जाओ, जाओ उसमें सब डालो, ले लो टिकट भी मंगता ना फरा वो टाइम पे, यार कहाँ से मैं अभी एडजस्ट करूँ। उनसे बात करो, कस्टमर केयर से बात करो ना, हमारे पैसे गए हुए हैं। अरे वो सुन ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि कुछ टिकट। फिर वेब चेकिंग कैसे हो गई? हाँ तो वेब चेकिंग के बाद जितने भी टिकट पैसेंजर थे ना, तो सभी को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, तो अभी मुझे जस्ट कॉल आया था फरहा, मैं क्या करूँ अभी। कोई अदर एयरलाइन देखो ना, दूसरी फ्लाइट देखो, ये स्पाइसजेट छोड़ दो, दूसरी एयर इंडिया की देखो ना आपकी, दूसरी फ्लाइट का वही तो बोल रहा फरहा, दूसरी फ्लाइट है अवेलेबल, टिकट भी है, लेकिन पैसे नहीं है ना मेरे पास। शाबाश बेटा, पूरे पैसे चले गए ना मेरे। फिर अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है समीर, ऐसा क्यों होता अपने साथ में? यही कि हम करने से पहले सभी को बताते ना, तो यही रीजन है ऐसे हो गया। अभी क्या करूं मैं,
अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, फरार कैंसिल करना पड़ेगा अपने को ट्रिप। नहीं यार समीरा ऐसा मत करो, वो पैकेज है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँ, कुछ है ही नहीं फरार, किससे जा सकते हैं अपन ट्रेन के टिकट? वो थोड़ी ना रिफंड अपने को देने वाला है, ये तो भी 7 दिन के बाद अपने को रिफंड देंगे। नहीं बात करेंगे हम उसको, बोलेंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गया, हमारा फ्लाइट का टिकट कैंसिल हो गया, कुछ ट्रेन से चलो ना फिर। ट्रेन से भी नहीं है फरार, ट्रेन का टिकट भी अवेलेबल नहीं है, और ये सब ना पहले टिकट बुक करना पड़ता है यार। मैंने ट्रेन का भी चेक किया है, फ्लाइट से पहले हमने ट्रेन का ही चेक किया था ना, था कि अवेलेबल नहीं था, तो अभी कहाँ से मिलेगा मेरे को? सॉरी पर यार आपने इतना सोचा था, अभी कैंसिल करना पड़ेगा मेरे को। ऐसा मत करो समीर, मैंने सबको बताई भी अपने घर में, मेरे फ्रेंड्स को, सबको बालू में मैं जाने वाली फ्लाइट से। हाँ तो ठीक है, बोल दो ना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया, अभी आई टाइम अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या करूँ? नहीं यार समीर बहुत गंदी इंसल्ट हो जाएगी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साले, हमको मंदिर का घंटा है। बात है भी, नेक्स्ट मंथ जाएंगे पर आपको। नेक्स्ट मंथ क्या है, कुछ भी नहीं है नेक्स्ट मंथ। एक तो शादी के पहले बाद भी आपने बोले थे, शादी के पहले बोल, शादी के बाद भी आपने बोले थे ना ले जाएंगे, बोले थे ना। हाँ तो उस टाइम ऐसे प्रॉब्लम था ना, इस वजह से नहीं हो गया। अभी जब मेरा भी दिल है जाने का, सब मैंने किया ना, अभी आपके सामने मैंने फ्लाइट के टिकट बुक किया था ना, ये अपने तो ऐसे हार नहीं मानने का। आप दूसरी फ्लाइट्स देखेंगे ना, कौन लॉन्ग रूट भी रही तो चलेगा, दूसरी फ्लाइट्स है, टिकट भी है, पैसे कहाँ से लाओ, पैसे किधर से लाओ? उधर लेंगे अपन, किसी लोन लूँ क्या, कर्जा करूँ क्या, किधर मैं लोन लूँ उसके लिए? मेरे पास है, मैं देती। चीटिंग 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 कर मेरे पास एक टाइम के। अभी दोनों गए ना अपने को, तो जब आएंगे तब मेरे को वापस करो। नहीं मतलब आपके दिल से नहीं है, मेरा मूड खराब हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रिप कैंसिल कर दो फिर अनु को फरा चांद। नहीं यार समझ गलत कर रहे हैं आप, अपन घर में अच्छे से बनाएंगे ये सब, अपनी जाने दो। क्या कर रहे हो घर में, तो हमेशा ही बनाते समीर। अभी नेक्स्ट ईयर जाएंगे ना अपन, नेक्स्ट ईयर भी क्या मालूम अपने को मिलता नहीं मिलता, फिर तभी भी और कुछ भी आएगा। मेरे ऑलरेडी 25,000 रुपए वहाँ पे अटक गए वो टिकट में, भी मैं क्या करूँ बोलो? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया करो आप। 7 उनको बोला ना जल्दी से देने के लिए। नहीं नहीं वो रहा, अभी मैं भी वहीं पे काम करता हूँ, तो फरा मुझे पता है रिफंड ना कोई भी एयरलाइन में तुरंत नहीं आता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है, कम से कम 5 से 6 दिन लगता है। अभी तो किसी के पास से उधार लेंगे ना? हाँ उधार लेके जाऊंगा अभी मैं, नहीं तो 7 दिन के बाद वापस कर देंगे, बोलेंगे हमारे अटके हुए। मेरे को ऐसा किसी के सामने ऐसा मांगने, लेकिन तुम्हारा अपने पास पैसे है ना? नहीं फरा को मतलब आपका मन नहीं है? मन नहीं है मेरा, मन था, अभी कैंसिल हो गया तो मैं क्या करूँ टिकट? हाँ एक काम कर सकते हैं, आप जान दो, आप नाराज मत हो, अपन नेक्स्ट ईयर जाएंगे ना, क्यों इतना ये सोच रहे हो? कुछ नहीं है, जिसको जिसको बोला है ना आपने उनको बोल दो कि ऐसे ऐसे प्लान हमारा, कुछ बहाना बना दो ना। हाँ अरे तो कुछ बहाना बना दो ना फरा, इसमें क्या है उसमें? मैं भी क्या करूं फरा बोलो आप ही। हाँ मेरे हाथ में कुछ था क्या? मेरा भी पूरा प्लानिंग था, इतना सब शॉपिंग कराया मैंने तुम दोनों को। हाँ एक काम कर सकते हैं अपन, एक मेरे पास सलूशन है, अपन बाइक से जा सकते हैं। अपन बाइक पे जा सकते हैं ना, ना मनाली जाने का इतना खुशी नहीं है जितना मेरे को फ्लाइट में बैठने की खुशी थी, मालूम आपको? तो वही बोल रहा मैं, अपन हम ना हर जगह बाइक से घूमते हैं, तो अपन बाइक में जाएंगे ना, इधर भी आगे बैठेगा देख रहे बाइक से जाएंगे, बस टेंशन मत लो। नेक्स्ट ईयर जाएंगे ना फर्स्ट, क्या चुभा क्या यहाँ पे? हाँ नेक्स्ट ईयर जाएंगे, नेक्स्ट ईयर चलो, नाराज मत हो आप, अपन नेक्स्ट ईयर जाएंगे। हाँ इस बार अपन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपने घर में। नेक्स्ट ईयर जाएंगे मानती मैं, लेकिन घर में भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अलग सपने देखे थे। जाने दो, मूड मत खराब कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट मजाक कर रहा था आपके साथ में, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये प्रैंक वीडियो है, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। मतलब जानबूझ के वाले मेरे को ये चीज में इंटरेस्ट है। अरे कोई फ्लाइट टिकट नहीं कैंसिल हो गया, उल्टा हमारा तीनों का भी वेब चेकिंग भी हो गया है, कंफर्म हो गया है, और आपको विंडो सीट चाहिए थी, वो विंडो सीट भी आपको मिल चुकी है। सच्ची बोलो, ये मजाक नहीं है ना? नहीं ये मजाक नहीं है।
वीडियो हमारा वहाँ पे था, मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं आपको ईजान का फेस दिखाऊं। ईजान ऐसे एक्सप्रेशन कर रहा था हम दोनों को देख के, उसको लग रहा था कि हम सच में बहुत ज्यादा झगड़े कर रहे हैं। तो सच में नहीं कर रहे थे क्या? ये तो प्रैंक था ना अपना, उसको आपके लिए प्रैंक था, मेरे लिए भी और सच था पागल। लेकिन ईजान बहुत सीरियस, हम झगड़े कर रहे। ईजान ना बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था गाइस, और इवन हमारे जो मेड है ना वो बर्तन धोना स्टॉप कर दिए थे, हम दोनों पे पूरा ध्यान दे रहे थे। अभी देखिए जैसे आवाज आ रहा है ना, उन्होंने स्टॉप करके, मुझे लग रहा था वो यहाँ तक आके सुन, मतलब हमारी बातें पे ध्यान दे रहे थे कि क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है क्या? अच्छा नहीं, लेकिन अब ऐसे सब क्योंकि मुझे पता है फराना बहुत, मुझे पता है फराना बहुत ज्यादा एक्साइटेड है फ्लाइट में बैठने के लिए, क्योंकि एक टाइम में फरा के मैं दो सपने पूरे कर रहा हूँ। एक तो उनको मनाली बहुत पहले से जाना था, नहीं मतलब मुझे बर्फ वाली जगह, मनाली कश्मीर। दो दिन से हम देख रहे हैं ना इतना ज्यादा स्नोफॉल है ना, इतनी ज्यादा बर्फ है ना, पता नहीं अभी अपने लग के अपने को मिलता क्या नहीं। मिलेगा मिलेगा इंशाल्लाह, ऐसे लग रहा है कि वो वीडियो सब देख के ना ऐसे लग रहा है कि हम कब वहाँ पे जाएं। और क्या पता नहीं रील्स वालों को कैसे पता चला, हमको वही रील्स भेज रहे हैं वो। वही बोला मैंने भी आज। तो गाइस आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। एक छोटा सा प्रैंक था, बहुत दिन से किया नहीं था मैडम के ऊपर, तो जरूर बताना। तो चलिए ये वीडियो मैं यही पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। इसके बाद का जो व्लॉग रहेगा वो कंटिन्यू हम मैडम की शॉपिंग और मेरी शॉपिंग और टोटली हम बताएंगे कि हम क्या क्या लेने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखना, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।